तो आई होप आप लोग सीक्रेट इन्वेजन देख रहे होंगे, और जैसा कि इस सीरीज में दिखाया गया है कि आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि कौन स्कल है और कौन रियल है, यहाँ तक कि निक फ्यूरी के ऊपर भी नहीं, क्योंकि एपिसोड 1 में हमें दिखा दिया गया था कि बहुत सारे ह्यूमंस को किडनैप करके उनके जगह स्कल्स भेजे जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो एमसीयू में स्कल्स हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। तो नंबर 1 में हो सकता है रोडी, कर्नल जेम्स रोड, जो कि वॉर मशीन है। और आपने सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड नंबर 1 देख लिया है तो आपको भी उसके ऊपर शक होगा, क्योंकि वह जिस तरह प्रेसिडेंट से बात कर रहा था मुझे नहीं लग रहा था कि वो रोडी। और अगर स्कल्स रोडी को वहाँ से रिप्लेस करके खुद वहाँ रोडी बन जाए तो स्कल्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। नंबर 2 सैरन कार्टर। तो ये जान के मैं भी शॉक हुआ था कि सिविल वॉर में वो जब अच्छाई का साथ दे रही थी, पर फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में वो एक क्राइम लॉर्ड कैसे बन गई, जिसकी वजह से सैरन कार्टर के ऊपर सबसे ज्यादा शक जाता है कि वो एक स्कल है। फिर आगे जिसके ऊपर शक जाता है वो है खुद निक फ्यूरी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है निक फ्यूरी ने अपनी जगह स्कल्स को भेजा है, और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लास्ट में हमने देखा है कि स्कल्स निक फ्यूरी के वेश में आए थे। और क्या पता सीक्रेट इन्वेजन में जो निक फ्यूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वही लास्ट में स्कल निकल जाए और ओरिजिनल निक फ्यूरी सीरीज के लास्ट में अपीयर हो। उसके बाद आती है ये औरत, क्या नाम है इसका, वेला दी फोंटेन जो भी हो, और ये अचानक से आकर इतनी पावरफुल कैसे बन गई, ये सरकार के इतने ऊंचे ओहदे तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच, और ये अवेंजर्स के होते हुए दूसरे सुपर हीरोज को क्यों इकट्ठा कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ये अवेंजर्स से लड़ना चाहती है डार्क अवेंजर के जरिए। और कॉमिक्स में ऐसा हो भी चुका है जब सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक्स में होता है और ये बात रिवील होती है कि अवेंजर्स में आधे से ज्यादा सुपर हीरो स्कल्स है, तो एमसीयू में भी ऐसा हो सकता है कि ये औरत एक स्कल्स है और ये अपनी स्कल्स की आर्मी बना रही है, किसे पता। इसके बाद जो शक जाता है वो है पेपर पॉट्स। जी हाँ, क्योंकि टोनी के डेथ के बाद स्टार्क इंडस्ट्री की बागडोर अब पेपर पॉट्स के पास ही है, और अगर स्कल्स ने पेपर पॉट्स को बदल दिया तो वो टोनी के सभी गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता ही है टोनी के गैजेट्स कितने ज्यादा खतरनाक है, वो आर्क रिएक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हल्क बस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे ही ना जाने कितने सारे। और आपने तो उनमें से एक देखा ही है, एडिट, जो कि एक ड्रोन था, पर फिर भी उसने कितनी ज्यादा तबाही की थी। तो सोचो अगर स्कल्स के हाथों टोनी का टेक लग जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो इस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे और अपनी आबादी बसाएंगे। और इसके बाद नंबर आता है जनरल रोज का, और रूमर्स की माने तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ये प्रेसिडेंट बनेगा, और स्कल्स के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है जनरल रोज का रूप लेने के लिए, और किसे पता वो उनका रूप ले भी चुका हो, क्योंकि अवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद से ही जनरल रोज अवेंजर्स के पीछे लगा हुआ है कि अवेंजर्स को बंद किया जाए, उन्हें सरकार के अंडर रखा जाए, और वो हर वो मुमकिन करता है जिससे अवेंजर्स खत्म हो जाए। तो क्या पता वो असली होए ना, कि वो एक स्कल हो जो कि अवेंजर्स को मिटाना चाहता है कि जब वो अर्थ पर कब्जा करे तो अवेंजर उनके आगे ना आए। तो आपको और किस एक्टर पर शक है, कमेंट करके अपने विचार बताएं, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।